3x is equal to x minus 1. X minus 1 into x plus 1. x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. अब वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें पी जीरो कैलकुलेट करें, पी जीरो एक्स की जगह जीरो लगाना है. देखो बोल रहे हैं कि आपको पी जीरो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में? एक्स की जगह से जीरो है क्या? एक्स की जगह जीरो है, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन. तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आप जीरो रख देंगे, तो ये हो गया जीरो माइनस वन जीरो और ये मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस वन. जब ये दो ब्रैकेट ऐसे लिखे रहते हैं ना और बीच में कोई साइन नहीं होता, तो समझ लो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसी तरीके से P0 के बाद में वो पूछ रहा है कि P1 बताइए, P1 P1 तो P1 में क्या होगा? दोनों जगह जहां पर x x है वहां पर आप 1 डाल दीजिए, 1 - 1 - 1 क्या होगा? और माइनस वन क्या होगा? जीरो. जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन क्या हो गया? टू. तो जीरो इनटू टू क्या हो गया? टू. ओ सॉरी, जीरो. जीरो ठीक है. ऐसे ही पी टू देखिए, तो पी टू में क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर एक्स की जगह टू लिखना है वहां टू डाल देना. तो टू माइनस वन टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस वन, तो टू माइनस वन हो गया वन और टू प्लस वन हो गया थ्री, तो वन इंटू थ्री रिजल्ट आ गया. ठीक है. अच्छा, लास्ट पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है. हाँ भाई देखिए, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जब ऐसे दे रखे हैं एक के बाद एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है ना. उसके बाद देखिएगा, ये क्लियर है प्रदीप? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आप बोल रहे हैं सिक्स पार्ट में दिक्कत है. सिक्स में क्वेश्चन नंबर थ्री का सिक्स क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड पार्ट भी देखेंगे. सेकंड पार्ट में क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव. वो बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू है फोर अपॉन फाइव, एक्स की वैल्यू फोर अपॉन फाइव. तो वो कह रहे हैं जब एक्स की वैल्यू फोर अपॉन फाइव हो तब आप पी एक्स की वैल्यू बताइए. तो आपको इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह फोर अपॉन फाइव डाल देना है. तो पी फोर अपॉन फाइव हाँ फाइव इंटू एक्स की जगह फोर अपॉन फाइव आ जाएगा. पाई होता है ना 22 अपॉन सेवन वाला पाई. तो फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव क्योंकि एक्स की जगह फोर अपॉन फाइव डाल दिया और माइनस पाई. अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो क्या बचा? केवल 4. तो रिजल्ट आ गया 4 माइनस 5 4 माइनस ये जो लास्ट में था 4 अपॉन 5 ये जो पाई है सर उसको क्या हुआ बेटा? सुनो, पाई को पाई ही रहने दो. ये तो कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि x क्या करे सर? पाई को 22/7 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पाई लिखा हुआ है तो आप आंसर में भी पाई लिख दो. ठीक है, देखो यहाँ पर ये कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, कॉमा करके ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. मतलब एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाला है बस. तो इसमें आपको x की जगह 4 अपॉन 5 डाल देना है. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5 और 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4 और माइनस पाई. तो 4 माइनस पाई आ गया इसका रिजल्ट. समझ गए? अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हुआ. और कौन सा पूछ रहे थे? 6. कोई बात नहीं भी, कहाँ आए समझ में? आप पूछिए, ये अच्छी बात है, ये नहीं कि पूछ ही नहीं रहे. अब अच्छा है दोनों ने बता दिया कि नहीं सर समझ में नहीं है, तो आप तभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना उसी टाइम बता दो इधर नहीं आया समझ में. ठीक है, और अभिषेक होमवर्क करो. देखो मैंने उसको बोला था, उसने रात में मेरे को होमवर्क पूरा करके भेजा प्रॉपरली. ठीक है ना, तो आप भी होमवर्क करिए. नहीं होता है तो भी जितना भी ट्राई कर रहे हैं, जितना हुआ है उतना भेजो. ठीक है, हाँ वो दिखा दिया था. तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आप देखिएगा सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एन. एल एक्स प्लस एन
x is equal to minus m upon l, तो comma करके ये दे रखा है x is equal to minus m upon l, तो ये बिल्कुल अलग है हमारा जो polynomial है, polynomial बस यहाँ तक है, comma से पहले तक का जो है वो polynomial है, वो कह रहे हैं x की value minus m upon l इसमें डालनी है आपको, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप डाल देंगे minus m upon l, ठीक, तो ये हो जाएगा p x की जगह आप डाल देंगे minus m upon l is equal to l multiplied by x की जगह डालेंगे minus m upon l, समझ गए, ठीक है, और प्लस m, हाँ बोलो सर, तो हमने x की जगह minus m upon l लिख दिया, तो फिर हमने x क्यों लिख रखा है, into, हाँ ये cross है, multiply, multiply, तो यहाँ पर देखिए l से l कट कर दिया, जैसे 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2, ऐसे ही l बचा l, ठीक है, तो l से तो l कट गया, यहाँ क्या बचा, केवल minus m, इधर बहुत बचा 1 into minus m क्या हो जाएगा, minus m, और इधर क्या, plus m, प्लस एम और माइनस एम कट गया, माइनस एम कितना हो गया, जीरो, तो इसका रिजल्ट आ गया जीरो, ठीक है, जिन्होंने करा है उनका रिजल्ट यही आ रहा है, सेवंथ, ठीक है, सेवंथ पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, dx is equal to 3x square minus 1, comma, x is equal to minus 1 upon root 3, x is equal to minus 1 upon root 3, comma, plus का 2 upon root 3, plus का 2 upon root 3, तो x की दो values हैं, एक तो minus 1 upon root 3 और एक plus का 2 upon root 3, तो वो बोल रहे हैं, एक बार x की ये value डालकर देखो, इस polynomial की value कितनी आ जाती है, देखिए comma लग रहा है, तो polynomial का same है, तो p x की जगह पहले माइनस वन अपॉन रूट थ्री डालूंगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, थ्री मल्टीप्लाइड बाई x की जगह डालेंगे माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, तो x की जगह माइनस वन अपॉन रूट थ्री डाल दिया, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बाद में क्या है माइनस वन, माइनस वन, मैंने यही तो लिखा 3x square minus 1, बस x की जगह minus 1 upon root 3 डाल दिया, ठीक है, 3 multiplied by minus 1 का square क्या होगा 1 और root 3 का square क्या होगा 3, तो जब हमको एक rational number दे रखा होता है कि numerator upon denominator का whole square, तो numerator का square अलग करते हैं, denominator का square अलग करते हैं और लिख देते हैं नीचे, ठीक सर, root 3 का square 3 कैसे होगा, root 3 का जब भी कभी कोई term ऐसी आती है ना, जैसे अंडर रूट थ्री का स्क्वायर है, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हमेशा थ्री हो जाता है, ठीक है, हाँ, अगर क्यूब हुआ तो उसको कैसे लिखे थे, देखिए, हाँ, वो ऐसे हो जाएगा अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा अंडर थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, तो नहीं नहीं वो तो थ्री थ्री होता है, तो यहाँ पर तो रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री तो हो जाएगा थ्री, और ये रूट थ्री ऐसे चल रहेगा, तो ये हो गया थ्री रूट थ्री, इसको सिर्फ थ्री रूट थ्री लिखेंगे, समझ गए, नहीं समझे, ठीक है, अब ये देखिएगा, ये थ्री इंटू वन अपॉन थ्री हो गया और लास्ट में माइनस वन दे रखा है, अब थ्री वन जा थ्री, तो ये तो वन आ गया, तो वन मल्टीप्लाइड बाई वन क्या हो गया वन, और माइनस वन, और माइनस वन क्या होगा जीरो, तो ये हमारा जीरो, समझ गए, सूर्यांश क्लियर है, उसके बाद देखिएगा अगला इन्होंने बोला कि टू अपॉन रूट थ्री पर बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो p ब्रैकेट में टू अपॉन रूट थ्री, तो अब x की जगह टू अपॉन रूट थ्री डाल देना, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई x की जगह आ गया टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, 3 मल्टीप्लाइड बाई अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो ये हो गया 3 और लास्ट में तो माइनस 1 है, तो 3 वन जा 3 1 आ गया, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो इसका रिजल्ट 3 आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट का 8th में किसी को कोई डाउट हो नहीं सर आपने सारे क्वेश्चन दे दिए हां कोई बात नहीं आज कर लेना आज कर लेना
क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमको जो केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, हमको इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा एनसीईआरटी में सबके पास है कि नहीं है? यस सर है। ठीक है, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास भी है? नहीं है? मेरे पास है। तुम्हारे पास? घर पर? घर पर है। ठीक है, नहीं है वैसे अभी, नहीं है अभी, नहीं है कोई बात नहीं। बाकी घर पर सभी के पास है? सर जी जी है ना, कोई बात, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द फोर्थ का सिक्स और सेवन में कर दूंगा, सॉरी करवा दो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अभी एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2 एक्सरसाइज 2.2। तो सर आपने होमवर्क में 2.1 दी थी? 2.2 दी थी, 2.1 तो करवा दी थी, यही करवा दी थी। अरे तुम टेंशन ना लो, आज का होमवर्क और बताऊंगा, वो भेजूंगा, वो आप करना। ठीक है, तो इसको करवा देते हैं और होमवर्क आरडी में से बनाऊंगा, इसके जैसे क्वेश्चंस वो आपको भेज दूंगा, वो ट्राई करना। ठीक है, ग्रुप पर भेज दूंगा मैं, और कल का वीडियो मैं भेज नहीं पाया था, आज भेज दूंगा या कल सुबह तक भेज दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे यहाँ दो दिन से पैनल मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आपके टाइम तक तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थ्रू आउट द डे बार बार लाइट आना जाना बार बार होता रहता, तो इस वजह से मॉडम प्रॉपर्ली चल नहीं रहता। तो हमारी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्योंकि एक जो वीडियो होती है ना, एक वीडियो लगभग 17-18 GB की होती है, तो लैपटॉप में भी वो स्पेस घेरने लगती है, तो दो दिन से ज़्यादा की वीडियो तो मैं इसमें रख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं। सब तीन वीडियोज़ बनानी पड़ती है ना आपको? हाँ, तीन वीडियोज़, 12, 9 और 10। अरे नहीं, वीडियोज़ तो बहुत बनती है, 9 बनती है वीडियोज़, एक दिन में? हाँ, 9 वीडियोज़ बनती है, तो आप 17 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 9 वीडियोस कैसे बनेगी, क्योंकि अभी 10th और 12th के बैच तो खत्म हुए नहीं है, तो सुबह तो होता है 12th का एक मैथ्स का बैच और एक फिजिक्स का बैच, तो दो अलग अलग तो ये हो गए। फिर उसके डेढ़ घंटे बाद होता है 10th का एक मैथ्स का बैच, एक साइंस का बैच, बहुत चल रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी 10th वालों के एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता होगा 27 से एग्ज़ाम होते हैं, है ना, शायद जब जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आपके स्कूल की छुट्टी भी होगी, जिस जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपकी छुट्टी होगी, और फिर उसके बाद 3:30 बजे से तुम्हें लगातार नहीं। Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. In each of the following cases. अब जैसे first है, px is equal to x plus 5. जब भी किसी पॉलीनोमियल का जीरो निकालना होता है, उस पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं। जब भी किसी पॉलीनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोला जाए, उस पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए, तो क्या होगा? पुट। जब भी किसी पॉलीनोमियल का जीरो निकालना होता है, तो उस पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, है ना। तो ये पॉलीनोमियल पी एक्स दे रखा है मैंने, इसको जीरो के बराबर रख दिया, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस फाइव। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, भाई px की वैल्यू तो x प्लस 5 ही है ना, अब ये प्लस 5 को उधर ले जाओगे, 0 माइनस 5, और 0 माइनस 5 क्या होता है? -5, तो x की वैल्यू -5 आ गई। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, हम ये कहते हैं कि जब भी किसी भी पॉलीनोमियल का आपसे ये पूछा जाए कि आपको जीरो निकालना है, तो आप कुछ भी मत करो, उसको पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रख दो, और फिर देखो x की क्या वैल्यू आती है। तो पॉलीनोमियल px है, मैंने px को 0 के इक्वल रख दिया, अब px की वैल्यू क्या थी? x प्लस 5। px को 0 रखने का मतलब ये है कि x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दिया, अब ये प्लस 5 है, प्लस 5 उधर चला जाएगा तो -5, 0 माइनस 5 करेंगे तो -5 ही आएगा, बस। अब हर बार पॉलीनोमियल में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही जैसे सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में देखिएगा, ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो फिर से वही करना है, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स
पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख दिया। अच्छा पी एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस फाइव। जब पी एक्स जीरो के बराबर होता है प्लस फाइव, बहुत बढ़िया, इसका मतलब एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। माइनस फाइव इधर जाकर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस फाइव या फाइव। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। टू एक्स प्लस फाइव तो क्या करें, फिर वही पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर भी जीरो निकालना है आपको पी एक्स को जीरो के बराबर रख देना बस। ठीक है, तो अब ये टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, प्लस फाइव को उधर ले जाओ, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव हो गया, समझ गए कि नहीं। जब भाई प्लस फाइव को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव हो गया। अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस फाइव अपॉन टू। सही आ रहा है, बताइए क्लियर है। जो चीज इधर ऐड हो रही है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट, जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाकर डिवाइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। ये किसी का फोन बजता है, हाँ कोई नहीं, फोन की आवाज़ है ना ये। पहली बार क्या होता है ना, मुझे लगता है कि कहीं इधर लैपटॉप में से कैमरा में से कोई वार्निंग बीप तो नहीं आ रही है, ऐसी अवस्था है। हाँ वार्निंग आती है कई बार, आ जाती है कई बार, आ जाती है कि मतलब अभी फ़ोन में आती थी, पहले मैं फ़ोन का कैमरा यूज़ करता था ऑनलाइन क्लास के लिए, तो फ़ोन में बीप की आवाज़ आती थी, कुछ कुछ ऐसी ही थी, तो उसमें फिर वो सिंपल बना हुआ आता था कि बैटरी इज़ ओवर हीटिंग, क्योंकि लगातार जब कैमरा ऑन रहा था। फिर ये कैमरा लिया था मैंने, कहा ज़्यादा देर चलता है ना तो फिर प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, तब ये लिया था, नहीं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, तो मैंने कहा बहुत ही ना ख़राब हो जाए। नहीं आजकल फोन आएगा देखिए, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स को जीरो के बराबर रख दिया, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब माइनस टू इधर चला जाएगा तो प्लस टू, जीरो प्लस टू, समझ रहे हैं भाई, थ्री एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस प्लस टू हो गया, जीरो में कुछ भी ऐड करो। नहीं सर वो लिखा था ना स्टेटमेंट, अरे वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, माइनस हम क्या बोलूं, कि कभी भी जीरो में कुछ ऐड हो रहा है या कुछ भी सबट्रैक्ट हो रहा है तो वो वही रहता है। हां तो बताओ माइनस फाइव सर, माइनस टू अपॉन माइनस, माइनस टू अपॉन थ्री सर, टू अपॉन थ्री, माइनस टू है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस टू हो गया और थ्री सर थ्री एज इट इज नीचे आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री। हम ये बता रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया, नीचे आ गया। इसी तरीके से जब थ्री एक्स माइनस टू था तो माइनस टू दिखा हुआ था, तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस का टू हो गया। ठीक है, और ये थ्री जो है ये मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, तो थ्री उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे, ये फोर्थ पार्ट हुआ। इसके बाद फिफ्थ देखिएगा, इसका फिफ्थ में पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री एक्स बस, बस पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो थ्री है, ये थ्री है जीरो अपॉन थ्री, बिल्कुल सही, एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री। अच्छा, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया, जीरो जीरो ही रहता है ना, वन कहाँ से है, जीरो। अच्छा ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अच्छा x इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो अपॉन एनीथिंग करेंगे वो जीरो ही रहता है, समझ गए।
वन अपॉन थ्री शायद गलत हो गया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ के बाद सिक्स देखेंगे। सिक्स पार्ट देखिएगा, सिक्स पार्ट में है और पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स क्या है, ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए जो है वो जीरो के नीचे चला जाएगा, ए यहाँ एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर वो ए जीरो के नीचे चला जाएगा, x is equal to 0 upon a plus 0, तो सही आ रहा है, 0, x के बराबर 0 चाहिए, ठीक है, समझ गया प्रदीप, यस सर। 7th पार्ट देखिएगा, 7th पार्ट में हम ये कहते हैं कि px is equal to cx plus d, इसके हां यहां पे a कैसा आ गया, देख क्वेश्चन में दे रखा है, px is equal to ax, यहाँ पर px is equal to x plus y का तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 7th पार्ट देखिएगा, 7th पार्ट में है px is equal to cx plus d, हाँ सर किसी के आगे कर दी, 7th पार्ट में दे रखा है px is equal to cx plus d, फिर वही करना है, तो px is equal to 0, ये हमारे पास प्लस का 5 था, ये उधर जाकर माइनस का 5 हो गया, तो ये प्लस का था उधर जाकर माइनस डी आ गया, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी हो गया, यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल सही, ये सी यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं तो x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, लेकिन प्लस हो रहा है, ना ये यहाँ पर प्लस था, प्लस डी उधर जाकर माइनस डी हो गया, कोई भी चीज़ इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाती है, ये इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाता है, समझ रहे हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन तो इसमें चार ही थे, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, रिमाइंडर थ्योरम इधर लिखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम इसमें पेज नंबर 36 पर एग्जांपल नंबर 6 है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये आपको बताऊंगा अभी, क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे आप रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो पेज नंबर 36 एग्जांपल नंबर 6, यहाँ नोट करें, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, px by gx where where px is equal to x plus 3x square minus 1,
x plus 3x square minus 1 and gx is equal to वन प्लस एक्स बिल्कुल अलग है क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स अब डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो दो मेथड होते हैं एक होता है रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है आपका लॉन्ग डिविजन मेथड तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में इसके लॉन्ग डिविजन मेथड लॉन्ग डिविजन मेथड यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स ये है एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन हम हमेशा क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद उससे छोटी पावर उसके बाद उससे छोटी पावर और लास्ट में लिखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है कॉन्स्टेंट टर्म जैसे यहाँ पर माइनस वन ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसके साथ एक्स वाला कोई टर्म नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म को लास्ट में लिखते हैं तो इसको पहले रीअरेंज करके कायदे से लिखेंगे ये पी एक्स हो गया पी एक्स में सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की एक्स स्क्वायर तो ये जो थ्री एक्स स्क्वायर वाला टर्म है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इसको सबसे पहले लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख दिया ठीक है उसके बाद फिर एक्स वाला टर्म यानी कि प्लस का एक्स फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि माइनस वन तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ये समझ में आ गया ठीक है कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो उसमें पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म फिर उससे छोटी पावर वाला फिर उससे छोटी और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म ये करते हैं ऐसे ही जी एक्स की बात करते हैं वन प्लस एक्स है इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाला टर्म पहले आ गया एक्स और फिर आ गया कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि वन मुझे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो जैसे जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है ना तो अब जरा देखिएगा जब ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं ना जिसमें प्लस 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 में ऐसे कुछ लिखा रहता है तो इन एक्सप्रेशन को जो डिवाइड करते हैं ये पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है तो बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि इनको प्रॉपर मैनर में लगाएं तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर कॉन्स्टेंट टर्म बड़ी पावर फिर कॉन्स्टेंट टर्म सर हम ये नहीं कर सकते कि अगर मेरे ऊपर वाले में माइनस वन है नीचे वाले में प्लस वन तो माइनस वन से प्लस वन नहीं नहीं बेटा अब डिवाइड कर रहा हूँ तो एडिशन अगर करते तो प्लस वन माइनस वन कट जाता अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिविजन में क्या होगा वो देख लेना वो एक मैथड है इंपॉर्टेंट मैथड है जो एक एक स्टेप समझिएगा उसका कहीं दिक्कत हो तो बताना डिवाइड करते थे ना बिल्कुल उसी तरीके से कि मुझे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे x प्लस 1 से डिवाइड करना है पर जो छोटी वाली वो है उसे बाहर रखेंगे ना उसको जान लेंगे इसमें हम देंगे समझ गए ये करने के बाद में सिर्फ पहले पहले टर्म पर ध्यान देंगे सिर्फ पहले टर्म पर इसका पहला टर्म क्या है x और इसका पहला टर्म क्या है 3x स्क्वायर तो अब आप ये सोचो कि x में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 3x स्क्वायर बन जाए 3x समझ गए हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x स्क्वायर बन जाए 3 नहीं बेटा 3x क्योंकि अगर सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 3x मुझे तो 3x स्क्वायर चाहिए तो ये 3x स्क्वायर बन गया तो x में क्या मल्टीप्लाई करें 3x तो वो 3x स्क्वायर बन जाए ये समझ गए ठीक है सिर्फ पहला पहला टर्म चेक करना है तो यहाँ पर लिख दो 3x लिख दिया स्क्वायर सिर्फ 3x लिख दिया यार स्क्वायर पे भाई स्क्वायर वो x है ना तो ऑलरेडी स्क्वायर अरे एक मिनट मुझे बता दीजिए इसमें x में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3x स्क्वायर बन जाए 3x तो x मल्टीप्लाइड बाय 3x तो 3x स्क्वायर बन जाएगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है ये जो 3x है इस 3x से x को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 3x स्क्वायर ठीक फिर इस 3x से इस प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करें तो 3x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 क्या होगा
थ्री एक्स में अगर वन मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, थ्री एक्स। समझ रहे हो या वैसे बोल रहे हो? समझ रहे ठीक है। तो ये हो गया थ्री एक्स, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर वन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऐसा के ऐसे ही रहता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, करते हैं ना, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले का साइन बदल जाता है। तो इसका साइन हो गया कि प्लस का 3x स्क्वायर था ये माइनस हो गया, ये प्लस का 3x था ये माइनस हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। और x माइनस 3x क्या होगा, x ये प्लस का x है ये माइनस का 3x है, अब इसका साइन प्लस टू रहा, चेंज होकर माइनस हो गया। तो x माइनस 3x क्या होगा सर, माइनस हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2x। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम x में से 3x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1x माइनस 3x। तो हाँ तो सर उसकी वैल्यू प्लस से माइनस हो गई ना, हाँ ये प्लस 3x था तो अब इसकी वैल्यू चेंज होकर माइनस हो गई सर। लेकिन ऊपर वाला तो अभी प्लस किया है, ऊपर वाला प्लस ही रहेगा, सिर्फ नीचे वालों का साइन चेंज होता है। लॉन्ग डिवीजन में सिर्फ नीचे वालों का साइन चेंज होता है। तो बताइए प्लस होगा ना, माइनस टू एक्स होगा ना, सर जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका तो साइन लगेगा। वैल्यू बड़ी जिसकी है थ्री की ना, तो थ्री वैल्यू बड़ी है ना, तो थ्री डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, थ्री में से बन गया टू, और बड़ा नंबर क्या है थ्री, थ्री का साइन क्या माइनस, तो माइनस टू एक्स। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ अब आ गया मेरे पास माइनस का टू एक्स, और ये जो माइनस वन था आखिरी नंबर ये एज इट इज नीचे कॉपी कर लो, माइनस टू एक्स आ गया। फिर से पहला टर्म देखना है कि इधर एक्स देखो और इधर माइनस टू एक्स देखो, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस टू एक्स बन जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस टू एक्स आ जाए, माइनस टू माइनस टू। भाई x में मैं माइनस टू मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस टू एक्स आएगा, तभी तो माइनस टू एक्स आएगा, समझे कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा माइनस टू, अब माइनस टू में x को मल्टीप्लाई करा, फिर जब यहाँ पर लिख देते हैं उससे एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू में एक्स को मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया माइनस टू एक्स, और माइनस टू में प्लस वन को मल्टीप्लाई करा, माइनस टू में प्लस वन को मल्टीप्लाई करा तो माइनस टू। जल्दी जल्दी में बताओ, सोचो ना, हमने माइनस टू और वन को मल्टीप्लाई करा, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन क्या आएगा, माइनस टू तो आएगा। किसी भी नंबर में वन मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज रहता है, ऐसे एज इट इज रहता है। तो ये माइनस टू आ गया, अब नीचे वालों का क्या होता है साइन चेंज, ये माइनस टू एक्स था क्या बन गया प्लस टू एक्स, वो कट जाएगा, ये माइनस टू था ये क्या बन गया प्लस का, तो माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स कट गया, माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स। भाई जैसे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कट गया था, ऐसे माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, कट गया, हाँ जीरो हो गया। और माइनस वन प्लस टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, प्लस का वन, वन हो गया, टू माइनस वन ही तो है ये, ये हो गया खत्म, समझ गए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब हमको डिवाइड कर दी, अभी बता रहा हूँ, जब डिवाइड करा तो हमारा क्वेश्चन तो आ गया थ्री एक्स माइनस टू, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर आ गया वन, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, रुक जाओ एक बच्चा कह रहा है बताता हूँ। हमें क्या करना है यहाँ पर, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो लंबा पॉलिनोमियल दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, ठीक है। तो जो बड़े वाला पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हैं, तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी पावर बना, तो सबसे पहले लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से छोटी पावर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन यहाँ लिख दिया और एक्स प्लस वन यहाँ लिख दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि एक्स पहली टर्म देखेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए, 3x किया तो 3x, 3x मैं यहां पर मैंने 3x लिख दिया पहले, फिर 3x * x हो गया 3x स्क्वायर, और 3x * + 1 हो गया + का 3x, सर पावर प्लस की बड़ी, सही तरीके से आ गया सर, कौन सा 3
सर प्लस के लिए सर सर प्लस आपने किसको किस तरह लगा? मैंने x में मल्टीप्लाई कर दिया 3x, है ना, x में 3x को मल्टीप्लाई करा तो 3x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही तो करा कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो 3x into x क्या हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है सर। वो प्लस था तो माइनस हो गया क्योंकि यहां माइनस है, क्योंकि नीचे वालों का साइन हमें चेंज करना होगा। तो वो कट गया नहीं, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3x आ गया। किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। 3x में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वालों का साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x का कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये था प्लस का 1x और ये माइनस का 3x, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज हो गया, x माइनस 3x हो गया माइनस का 2x। फिर माइनस 1 को एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2, माइनस 2, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x का हो गया माइनस 2x। अब वो माइनस का करते साइन चेंज होकर प्लस हो गया माइनस 2, समझ गए। फिर नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 हो गया प्लस का, ठीक सर। अच्छा, अब इसके बाद बताता हूँ, अब इसी क्वेश्चन को अगर रिमाइंडर थ्योरम से कर लिए तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब करेंगे रिमाइंडर थ्योरम मेथड। आयुष ये समझ में आ गया? यस सर। अब लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम मेथड, रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो रिमाइंडर थ्योरम मेथड जो है ये क्या होता है, इसमें देखिएगा क्या करना है, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है उसको छोटे वाले पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो, छोटे वाले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो। रिमाइंडर थ्योरम मेथड क्या होता है, इससे हमें यह पता चल जाता है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो ये छोटा पॉलिनोमियल है इसको जीरो के बराबर रख देंगे, क्या करेंगे, पुट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमने छोटे वाले को इसके बराबर रख दिया जीरो के बराबर। yes, तो जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो माइनस वन, यानी कि माइनस वन, यानी कि माइनस वन। अब पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, कुछ कुछ इस फोर्थ क्वेश्चन जैसा था जी स्टार्टिंग, आप कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे px में, तो px ये दे रखा है, इसमें x की वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करो तो p माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस x, x की जगह क्या डालेंगे माइनस वन प्लस माइनस वन, और लास्ट में तो माइनस वन दे ही रखा है, समझ गए। अब जरा देखिएगा, ये 3 है और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन, तो ये हो गया 3 इंटू वन, ये समझ गए, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस वन, 3 इंटू वन हो गया 3, माइनस वन माइनस वन क्या हो गया माइनस टू, और 3 माइनस टू क्या हो गया प्लस वन, तो यही हमारा रिमाइंडर है, सेम आ रहा है। तो रिमाइंडर निकालने के दो तरीके, एक रिमाइंडर निकाला जाता है ऐसे लॉन्ग डिवीजन से, ये बहुत आसान है,
ये बहुत आसान है। तो एक तरीका आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर अगर क्वेश्चन आया तो एक नंबर का आएगा, लॉन्ग डिवीजन पर क्वेश्चन अगर आया तो तीन नंबर का आएगा। क्वेश्चन अगर निकालना है तो वो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से निकलेगा। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए, और जो लॉन्ग डिवीजन है ये क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों निकालने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं निकाला जा सकता, समझ गए? रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के लिए, समझ गए? तो लॉन्ग डिवीजन से ना फिर रिमाइंडर से करने के लिए, हाँ चेक करने के लिए कर सकते हैं, रिमाइंडर आपका ठीक है या गलत वो करा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, समझ गए? तो हम बड़े पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं, बड़े पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं और छोटे पॉलिनोमियल को मान लेते हैं gx। gx क्या हो गया? x माइनस वन, ठीक है। तो आप ये देखो, इसको अरेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, है पहले से ही वो अरेंज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये भी अरेंज्ड है, पहले x है फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, समझ गए? देखिए, हमने रिमाइंडर निकालने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहा है डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए बोला है। डिवाइड करने के लिए मतलब लॉन्ग डिवीजन ही लगाना पड़ेगा। हाँ, थ्री एक्स की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इधर लिखना है x माइनस 1। अब ऐसे ही बताओ मुझे, पहली पहली टर्म देखनी है बस, x में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 3x की पावर 4 आएगा, 3x क्यूब, समझ गए? ऐसे भाई x में 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x की पावर 1 और x की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3x की पावर 3, तो 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई बाई x, तो क्या हो गया, 3x की पावर 4 3x क्यूब इंटू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x क्यूब, समझ गए भाई? 3x क्यूब को पहले x में मल्टीप्लाई करा तो 3x की पावर 4, 3x क्यूब को फिर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3x क्यूब, ये हो गया। अब नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस 3 है तो माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस x की पावर 3, माइनस x की पावर 3 भाई, माइनस 4x क्यूब है, ऊपर है माइनस 4x क्यूब, नीचे प्लस 3x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 x क्यूब, बिल्कुल सही, माइनस 1 x क्यूब। अब ये जो 1 है ये लिखा नहीं जाता तो माइनस x क्यूब लिख दो, ठीक है, बल्कि आप माइनस 1x क्यूब ही लिखो, माइनस 1x क्यूब लिखते हैं, कोई गलत तो नहीं है ना, माइनस 1x क्यूब लिख दिया हमने, और फिर आगे वाले टर्म्स ऐसे जो उतार लेंगे नीचे, तो ये क्या हो गया माइनस 3x और ये क्या हो गया माइनस 1x। फिर क्या करना है, फिर से चेक करेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1x क्यूब आ जाए, माइनस 1 क्या, माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस x स्क्वायर,
माइनस वन एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं? ये एक्स है, एक्स में माइनस वन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वन एक्स क्यूब आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस वन एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस वन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया? माइनस वन एक्स क्यूब। माइनस वन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या हो गया? प्लस वन एक्स स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया। यहाँ समझ में आ गया? यहाँ समझ गए इतना? ठीक है, अब आप ये देखो कि अब ये जो माइनस थ्री एक्स है और ये माइनस वन एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को तो ऐड ही नहीं करा जा सकता क्योंकि इसमें एक्स है और इसमें एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स क्यूब दोनों में था तभी तो दोनों को ऐड करा था, तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो ये माइनस का हो चुका है, तो आप लिखेंगे माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म यानी कि माइनस थ्री एक्स, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि माइनस वन, ऐसे लिखेंगे इसको। आपको पहले लिखना है बड़ी पावर वाला टर्म, तो बड़ी पावर वाला टर्म नीचे लिखा हुआ है, तो इसलिए और नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर लिखेंगे एक्स वाला टर्म माइनस थ्री एक्स और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। सब पावर पर से बढ़िया से कट गए, इसकी पावर बड़ी है, जो बड़ी पावर है बड़ी पावर वाला टर्म पहले लिखते हैं, समझ गए इतना क्लियर है? अब इसके बाद फिर पहला पहला टर्म देखो, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस वन एक्स स्क्वायर। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस वन एक्स स्क्वायर। माइनस वन एक्स, एक्स तो पहले से ही है ना, तो उसमें बस एक ही एक्स और चाहिए तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस वन एक्स, इधर नीचे लिख रहा हूँ माइनस वन एक्स, मत लिखो माइनस एक्स लिखो, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वन लिखो, माइनस वन एक्स लिखो या सिर्फ माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है। माइनस वन एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस लगाना जरूरी है? हाँ, माइनस तो जरूरी है, तो माइनस तो लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस चाहिए ना यहाँ पर, तो माइनस वन एक्स इंटू एक्स हो गया माइनस वन एक्स स्क्वायर, और माइनस वन एक्स इंटू माइनस वन ये हो जाएगा प्लस का वन एक्स, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस वन एक्स स्क्वायर था ये प्लस वन एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का वन एक्स था ये माइनस का वन एक्स हो गया, माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स क्या हो गया? माइनस का फोर एक्स, और माइनस वन एज इट इज नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस फोर एक्स आ जाए? माइनस फोर, सिर्फ माइनस फोर, एक्स तो पहले से ही है ना, और मुझे माइनस फोर एक्स चाहिए, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें? सिर्फ माइनस फोर। ठीक, माइनस फोर इंटू एक्स कितना हो गया? माइनस फोर एक्स, और माइनस फोर इंटू माइनस वन क्या हो गया? प्लस का फोर। माइनस फोर इंटू माइनस वन क्या हो गया? प्लस का फोर। माइनस फोर एक्स नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस, माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स करके इसका साइन माइनस हो गया, माइनस वन माइनस फोर कितना होता है? ये रिमाइंडर है और वो क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है और वो क्वेश्चन है, इस पर अभी लॉन्ग डिविजन पर अगली बार और करेंगे क्वेश्चन, और बाकी आज आपको क्या होमवर्क करना है वह भेजूंगा। ठीक है।